हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं पब्लिक गैराज। तो भाई आज हमारे सामने जो वीडियो होने वाली है वो रहेगी रिसेंटली अभी अल्काज़ार जो हमारी लॉन्च हुई है 1.5 टर्बो पेट्रोल के अंदर 7 सीटर, और क्रेटा हमारी रहने वाली है जो कि अभी इसी साल जनवरी में लॉन्च हुई है। ठीक है, तो दोनों में 6 महीने का, 6 महीने नहीं, पूरे 8 महीने का फर्क है। रिसेंटली सितंबर में लॉन्च हुई थी जनवरी में, एंड काफ़ी लोगों को भाई अब क्या कन्फ्यूजन हो रहा है कि यार हम क्रेटा लें या हम अल्काज़ार लें। ये है SX IVT ऑप्शनल, ये है आपका 1.5 टर्बो सिग्नेचर मॉडल, दोनों ही टॉप एंड वेरिएंट है। इससे ऊपर एक हमारा क्रेटा में भी मॉडल देखने को मिल जाता है, लेकिन ये भी इसमें एडास वगैरह सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो दोनों ही ऑलमोस्ट टॉप एंड वेरियंट है। अगर इनके ऑन रोड प्राइस की मैं बात करूँ, क्रेटा का है हमारा 21.5 लाख का ऑन रोड दिल्ली NCR के अंदर, और अल्काज़ार का है 24.5 लाख। 3 लाख का पूरा फर्क आ जाता है। तो 3 लाख का फर्क आ जाता है तो हमें क्या क्या चीज़ें अल्काज़ार के अंदर देखने को मिल जाती हैं। और सेकंड चीज़ ये कि हमें इस प्राइस में अल्काज़ार पे शिफ्ट होना चाहिए या नहीं। अगर बंदा 21.5 लाख खर्च कर रहा है तो हमें 24 लाख वाला मॉडल अल्काज़ार का टॉप एंड वेरियंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और हमें क्रेटा से ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं या नहीं, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जिन जिन का बजट भाई 20 से 25 लाख का है, तो आपको क्रेटा लेनी चाहिए या नहीं, या अल्काज़ार लेनी चाहिए क्रेटा के बदले, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं इसके आपको डायमेंशंस की बात करूं, तो भाई डायमेंशंस में हमारी, अगर मैं फ्रंट के वेट की बात करूं, जो हमारी क्रेटा हमें देती है 1790 mm वेट, वहीं अल्काज़ार की आपकी 1800 mm वेट देखने को मिल जाती है, 10 mm फालतू। अब इसकी मैं क्रेटा के लेंथ की बात करूँ तो 4330 mm हमें इसमें लेंथ देखने को मिल जाती है। वहीं अगर अल्काज़ार की बात की जाए, अगर अल्काज़ार की लेंथ की बात की जाए, 4560 लेंथ हमें देखने को मिल जाती है, तो क्रेटा से बड़ी। कि व्हील बेस की बात की जाए, 2760 mm का व्हील बेस और 1710 mm की हाइट। अब भाई क्रेटा की बात की जाए तो 2610 mm का व्हील बेस और आपकी 1635 हाइट। तो इट मींस डायमेंशंस में ना आपकी अल्काज़ार काफ़ी आगे निकल जाती है। ठीक है, ज़्यादा आगे तो नहीं निकलती, बट मेजरली जो आगे निकलती है, एक तो हाइट में और आपका एक लेंथ में, उससे अलग फीचर्स में तो बहुत ही आगे निकल जाती है। ये नहीं कि क्रेटा हमारी भी फीचर्स में पीछे रहती है, भाई क्रेटा में भी बहुत ज़बरदस्त फीचर मिल जाते हैं। अब इन दोनों के इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो भाई हमें 1.5, इसमें हमें टर्बोल पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, 7-स्पीड DCT गेयरबॉक्स, वहीं हमें इसमें 1.5 MPI का नॉन टर्बो चार्जर देखने को मिलता है SX IVT ऑप्शनल के साथ। पावर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो अल्काज़ार में हमें 153 BHP विद 253 Nm ऑफ टॉर्क, 4 सिलेंडर्स, फ्यूल टाइप इसका हमारा पेट्रोल का ही है, एंड जो माइलेज है हाईवे पे ऑटोमेटिक में आपको कहीं ना कहीं वो 18 से 20 का देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं इसके पावर स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इसमें आपको 113 BHP विद 114 3 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है, जो कि पावर स्पेसिफिकेशंस में क्रेटा में काफ़ी कम देखने को मिलता है। इसमें भी टर्बो वेरिएंट देखने को मिलता है, लेकिन इसके अपर वेरिएंट में, तो ये हमारा 21.5 लाख वाला मॉडल है, इसमें नॉन टर्बो चार्जर हमें देखने को मिलता है। तो पावर स्पेसिफिकेशंस में आपको टर्बो चार्जर में अल्काज़ार के अंदर पिकअप देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात की जाए कि टर्बो चार्जर में क्रेटा का लाऊं, तो डेफिनेटली भाई हमारा अल्काज़ार से ज़्यादा इसमें पिकअप देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बॉडी वेट जो है अल्काज़ार का वो एज़ कम्पेयर टू क्रेटा थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इसके डायमेंशन ज़्यादा है। मुझे यार एक चीज़ जो है अल्काज़ार में थोड़ी अजीब लगी कि इसके डीजल वेरियंट में आपको पैनोरामिक सनरूफ ही देखने को नहीं मिलती है, पेट्रोल के अंदर दे दी गई है। काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न है, बट मुझे पर्सनली क्या लगता है, जिस हिसाब से नॉर्म्स हैं हमारे गवर्नमेंट के कि 10 साल वाला जो उन्होंने टैगलाइन अपना रखे कि डीजल से 10 साल चलेगी, तो डीजल की गाड़ियों की इतनी डिमांड नहीं है, तो इसलिए उसमें आपको इतने फीचर्स नहीं देखने को मिलते। क्रेटा की फ्रंट प्रोफाइल की बात करेंगे तो ये आपको सारे कनेक्टेड DRLs देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पे आपको क्वाड LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है, ये आपके डार्क क्रोम में ग्रिल देखने को मिल जाती है, हुंडई का लोगो, और फ्रंट में आपका कैमरा, और यहाँ पे आपको फ्रंट के पार्किंग सेंसर्स, नीचे रेडिएटर ग्रिल, ये हो गई स्किड प्लेट। तो ये है आपकी भाई क्रेटा की प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल। अल्काज़ार की बात करें तो जैसे पहले डार्क क्रोम की आती थी ग्रिल अल्काज़ार में, और अभी जो दे रखी है क्रेटा में, तो पहली ऐसे इसमें देखने को मिलती थी, बट जैसे क्रेटा N-Line का भी मॉडल आया था तो उसकी जो ग्रिल है ना, ऐसी मुझे थोड़ी सी इंस्पायर्ड लगी अल्काज़ार की। और यहाँ पे आपको ये सारा H डिज़ाइन में DRLs देखने को मिल जाते हैं, ये इंडिकेटर, और ये आपके स्लीक से पतले से DRLs, जो कनेक्टेड DRLs हैं, Hyundai का लोगो हो गया, नीचे रेडिएटर ग्रिल, एंड यस इसमें रेडार, क्वाड आपको सेम क्रेटा के जैसे LED सेटअप देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट के पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, रेडार, और यहाँ पे कैमरा, विंडशील्ड पे प्लेसमेंट सेम आपको क्रेटा के अंदर भी रेडार
और विंडशील्ड पे कैमरे की प्लेस है, इट मीन्स इसमें एडास लेवल 2 आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। वाइपर्स आपके सेम रेगुलर ही होने वाले हैं दोनों गाड़ियों में। बाकी साइड प्रोफाइल में यहाँ पे आपको 17 इंच के एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं क्रेटा में, विद अ टायर प्रोफाइल ऑफ 215/60R17। चारों के चारों डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। वहीं अगर मैं अल्कज़ार की बात करूं तो 18 इंच के बढ़िया से आपको डिजाइन में ब्लैक पियानो में, ब्लैक कलर की गाड़ी है तो इसलिए आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। चारों डिस्क ब्रेक इसमें भी देखने को मिल जाएंगे विद अ टायर प्रोफाइल ऑफ 215/55R18। तो टायर विड्थ तो हमारी जो है सेम ही रहने वाली है, बस एलॉय व्हील्स का साइज थोड़ा बढ़ जाता है। ORVM भी सेम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर बॉडी कलर में, कैमरे की प्लेसमेंट और पेडल लैंप सेम आपको अल्काज़ार के अंदर भी सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। बाकी DCT गेयरबॉक्स है। हाँ, सबसे बड़ा मेजर क्या है डिफरेंस, यहाँ पे आपको DCT गेयरबॉक्स मिल जाता है इसके टॉप एंड वेरिएंट में। हालांकि वो क्रेटा के में भी मिलता है, बट जो सबसे टॉप सेलिंग है वो यही है हमारा SX IVT ऑप्शनल। तो जो भाई 21.5 लाख में अपना क्रेटा प्लान कर रहे हैं तो अल्काज़ार को जरूर देखना है एक बार कि उस पर आपको 2-3 लाख बढ़ाने चाहिए या नहीं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उसमें मिल जाती हैं, वो बताऊंगा अभी वीडियो के आगे में। बाकी ये भी हमारा ऑटोमेटिक है, लेकिन हमारे इसमें DCT नहीं IVT गेयरबॉक्स देखने को मिल जाता है। पर्सनली आई लाइक DCT क्योंकि DCT का जो ट्रांसमिशन है काफ़ी फ्रिक्वेंटली गेयर शिफ्ट करता है और काफ़ी स्मूथ है, ठीक है, पर्सनली ये मेरा मानना है। बाकी क्रेटा के अंदर आपको जो रूफ रील्स मिलेंगी वो इंटीग्रेटेड वाली मिलेंगी, एंड अल्काज़ार के अंदर ये नई चीज़ करती है ब्रिज रूफ रील, थोड़ी सा आपको स्पोर्टियर लुक देती है साइड प्रोफाइल में और गाड़ी थोड़ी सी जो है साइड प्रोफाइल उठी हुई लगती है। तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको इंटीग्रेटेड रूफ रील क्रेटा की ज़्यादा पसंद आई या अल्काज़ार की। बाकी भाई मेरी 6 फीट की हाइट है, आप देख सकते हो अल्काज़ार की हाइट है तो मतलब मेरे यहाँ तक चिंताकारी, लेकिन इसके रूफ रेल की वजह से ना थोड़ी सी गाड़ी साइड प्रोफाइल उठ जाती है, लेकिन वहीं मैं क्रेटा की बात करूँ तो काफ़ी छोटी पड़ जाती है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, मेरा पर्सनली रहता है कि भाई मुझे थोड़ी सी लंबी चौड़ी गाड़ियाँ काफ़ी पसंद आती हैं। अगर मेरे पास इतना ऑप्शन हो तो पर्सनली आई वुड गो विद अल्काज़ार, अगर मेरा इतना बजट हो 21 लाख अगर मैं क्रेटा पे खर्च कर रहा हूँ तो मैं यार थोड़ा सा 2-3 लाख बढ़ा के अल्काज़ार पे खर्च करना पसंद करूँगा। बाकी दोनों के अंदर ही ना आपको कनेक्टेड रियर के टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं। पर्सनली जो रियर प्रोफाइल है मुझे ज़्यादा अच्छी लगी अल्काज़ार की, सिग्नेचर की बैजिंग 1.5 का टर्बो की बैजिंग मिल जाती है और रियर में आपको वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप विद इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और शार्क फिन एंटीना, वो सारे आपको पीछे की जो रियर प्रोफाइल है सब फीचर्स में सेम देखने को मिल जाएगी। रियर में पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और आपका अल्काज़ार में भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन रियर प्रोफाइल की जो लुक्स हैं टेल लैंप्स में और जो रियर की जो ये टेल लैंप्स आपको दे रखे हैं कनेक्टेड वाली, मुझे पर्सनली अल्काज़ार की ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी नो डाउट क्रेटा भी भाई टॉप सेलिंग गाड़ी है, क्रेटा तो वो फिगर ही मैच नहीं कर पाएगी जितना ये टॉप सेलिंग में बिकती है SUV कॉम्पैक्ट SUV के अंदर, तो बहुत अच्छी गाड़ी है, टॉप सेलिंग गाड़ी है, बट रियर प्रोफाइल मेरे ओपिनियन में मुझे पीछे की ज़्यादा अच्छी लगी। भाई हम इनकी बूट की बात कर लेते हैं। एज वी नो भाई हमारी अल्काज़ार 7 सीटर में भी आती है, 6 सीटर में भी आती है। पर्सनली भाई अगर अल्काज़ार और प्लान करा तो 6 सीटर में लेना, 7 सीटर में मत लेना, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी 433 लीटर से हमें बूट स्पेस मिल जाता है विद अ स्पेयर व्हील आपको ट्रे के नीचे मिल जाता है, जिसमें कि आपका जो स्पेयर व्हील का साइज़ है वो 1 इंच कम मिल जाता है। लेकिन अगर मैं स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट बताऊँ वो आपको अल्काज़ार की नीचे देखने को मिल जाती है। बूट स्पेस में आपको 180 लीटर्स का देखने को मिलता है। अगर आपको अल्काज़ार में बूट स्पेस बढ़ाना है तो ये पीछे की सीट आप इसको फोल्ड कर सकते हैं और आपको एक प्रैक्टिकल से भी ज़्यादा बूट स्पेस ऑफर हो जाएगा अल्काज़ार के अंदर। अगर भाई देखो बात की जाए सबसे थर्ड रो सीट्स की, तो मेरे जैसे बंदे तो नहीं बैठ सकते 5.6 से कम, या जो हमारे बच्चे होते हैं भाई सबसे पीछे उन्हीं के लिए ही है, या 5.6 इंच की हाइट कम है तो वहाँ पे उनको प्रैक्टिकल एक स्पेस देखने को मिलता है विद अ प्रैक्टिकल बूट स्पेस। बट अगर 4 सीटिंग के लिए आप भी ले रहे हो तो भाई बहुत और अच्छी आपके लिए गाड़ी बन जाती है विद अ मैसिव बूट स्पेस और भर भर के फीचर्स। दोनों की जो भाई की देखने को मिलती हैं बिल्कुल सेम मिलती हैं, ये है आपकी क्रेटा की सारे फीचर्स, लॉक अनलॉक होल्ड से गाड़ी ओपन हो जाएगी और बूट स्पेस ये सेम आपकी अल्काज़ार की, दोनों की की सेम देखने को मिल जाती हैं। प्रीमियम की हैं, एक्स्ट्रा की आपको दोनों की नीचे देखने को मिल जाती हैं, तो की मुझे कोई मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगी, काफ़ी प्रीमियम की मिल जाती है। बाकी इसमें आपको अब मैं लेके चलता हूँ अंदर और बात करते हैं डायमेंशंस में और लुक्स में तो चेंजेस हैं, फीचर्स में क्या चेंजेस मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू क्रेटा। सबसे पहले मैं अगर क्रेटा के इंटीरियर की बात करूँ तो यहाँ पर ना आपको ब्लैक बीज इंटीरियर देखने को मिल जाता है, काफ़ी सूदिंग सा, काफ़ी एक डिसेंट सा आपको फ्रंट का और रियर का कैबिन देखने को मिल जाता है। बट
इफ मैं बात करूं अब आपके एल्काज़ार की, तो इसमें ना आपको ब्राउन ब्लैक देखने को मिल जाता है, पहले डार्क था अब लाइट कर दिया है एल्काज़ार का। और भाई ये अंदर से आपको बिल्कुल ऐसी फील कराएगा जैसे कि बेंटली, आपके मर्सिडीज, बीएमए, ऐसे आपको अंदर का इंटीरियर देखने को मिलता है। क्रेटा में आपको भाई सेंटर कंसोल देखोगे तो सेम एज इट इज आपको देखने को मिल जाएगा, बट इसमें थोड़े फीचर कम है। और सेम ही ना भाई आपको एल्काज़ार के अंदर ऐसा ही सेंटर कंसोल देखने को मिल जाएगा, बट इसमें थोड़े फीचर ज्यादा है। मैं इस प्राइस रेंज में आपको मैं क्रेटा के कुछ फीचर बता दूं, फिर उसके बाद चलेंगे एल्काज़ार के अंदर और देखते हैं क्रेटा से अलग क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। क्रेटा के अंदर भाई 8-way सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल जाता है, ऑल फॉर पावर विंडोज विद एंटी पिंच, ORVM इलेक्ट्रिकली अनफोल्ड करने के लिए, लॉक और अनलॉक करने के लिए। बाकी सेम ही ना आपको इंटरफेस भाई एल्काज़ार का मिल जाता है और क्रेटा के अंदर भी मिल जाता है। जैसे कि भाई एल्काज़ार थी वो सिर्फ क्रेटा, न्यू क्रेटा आप उसको बोल सकते हो, और थोड़ी लंबी कर दी गई गाड़ी पर डायमेंशन में। बाकी भाई ये बैठे हम गाड़ी के अंदर, बाकी भाई स्टीयरिंग दोनों का ही सेम देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है और आपका क्लस्टर है दोनों का इंटीग्रेशन देखने को मिल जाता है। ऑटो ऑफ यहाँ पे आपके ट्रैक्शन कंट्रोल, ESC, पुश बटन यहाँ पे, हेडलैम्प लेवलर, पार्किंग सेंसर्स, यहाँ 360 डिग्री व्यू मिल जाता है जिसकी कैमरा क्वालिटी भाई बहुत ज़बरदस्त है Hyundai वालों की। एंड दोनों फ्रंट की वेंटिलेटेड सीट, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक विद ऑटो होल्ड का फीचर, ड्राइविंग और ट्रैक्शन के सारे मोड्स जिसमें आपको 6 मोड्स देखने को मिल जाते हैं। इसी के अंदर ब्लाइंड स्पॉट व्यू मिल जाता है, एडास लेवल 2 के फीचर्स मिल जाते हैं, ट्रैफिक आपके एग्जिट डोर एग्जिट वार्निंग मिल जाती है आपको यहाँ पे ORVM पे जहाँ पे आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा। बाकी यहाँ पे ऑटो ORVM मिल जाता है, पूरा का पूरा ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको लाइट्स, एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है और फुटव्हील लाइट भी देखने को मिल जाती है। जो सिटिंग कम्फर्ट है वो बहुत जबरदस्त है, क्रेटा का भी, एल्काज़ार का भी, और हाइट एडजस्टमेंट वाले आपको सारे देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। बाकी आर्मरेस्ट में अच्छी स्टोरेज देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको गोल्ड ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, इसमें भी आपको अच्छी खासी स्टोरेज देखने को मिल जाती है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, बट ये वाला जो पार्ट है वो मैं आपको एल्काज़ार में दिखाऊंगा, उसका ज़्यादा प्रीमियम है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सारे ही सेफ्टी फीचर्स हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ABS EBD यूनिट मिल जाती है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है हमें, हमें इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है, व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है, सारे फ्रंट और रियर के पार्किंग सेंसर मिल गए, 360 डिग्री व्यू मिल जाता है, एडास लेवल 2 के फीचर्स मिल जाते हैं, हिल आपका असिस्ट मिल जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक विद ऑटो होल्ड का फीचर मिल जाता है, ऑटो लॉक, ऑटो सेंसिंग डोर लॉक देखने को मिल जाते हैं, ऑटो ORVM मिल जाता है। तो काफी अच्छे खासे इसमें आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एक्सपीरियंस जो है भाई गाड़ी का वो भी आपको बहुत अच्छा मिलता है, एकदम आपको स्पेशियस फील होता है गाड़ी के अंदर। बाकी वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन, 12 वाट का सॉकेट, और यहाँ पे आपको टाइप सी फास्ट चार्जिंग ऑप्शन और USB कनेक्टिविटी, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। बॉस का इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है गाड़ी के अंदर। बाकी एक बार चलता हूँ रियर प्रोफाइल में और आपको दिखाता हूँ कि कैसा इसमें स्पेस देखने को मिलता है। अगर 5-6 फीट से नीचे है तो भाई और भी ज़्यादा लेग स्पेस देखने को मिल जाएगा, तो लेग स्पेस काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। और हेडरूम की बात करूँ तो भाई वो भी आपको काफ़ी कम्फर्टेबल देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। डिसेंट हेडरूम मिल जाता है और कुशन भी मिल जाते हैं भी, एंड बीच में आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर। यहाँ पे आपका हो गया भाई ये AC वेंट्स और 2 फास्ट टाइप C चार्जिंग के ऑप्शन, कुछ स्टोरेज रखने के लिए हम भी काफी डिसेंट है, तो बीच में आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं। बाकी आप ये देखो भाई इंटीरियर, ये है भाई क्रेटा का इंटीरियर, ठीक है। अब मैं चलता हूँ एल्काज़ार के अंदर और उसमें आपको बताता हूँ कि एल्काज़ार में इससे अलग और क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो भाई सबसे पहले तो बाहर से सब सेम आपको डोर हैंडल वगैरह सेम मिलते हैं, 8-way सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल जाता है यहाँ पर भी आपको, और ये टॉप एंड वेरिएंट है एज यू नो, तो यहाँ पे भी आपको भाई 8-way सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल जाता है आपके को पैसेंजर साइड सीट। गाड़ी में थोड़ी गर्मी हो रही है, स्टार्ट करते हैं भाई। तो देखो ये है भाई हमारे यहाँ एल्काज़ार का इंटीरियर, जो आपको थोड़ा सा क्रेटा से प्रीमियम देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब सारी चीजें सेम मिलेंगी, मैं आपको बताता हूँ इसमें चीज नहीं क्या देखने को मिलती है आपको, वो आपको मैं बताता हूँ। पहले तो भाई स्टीयरिंग कॉलम, टिल्ट टेलीस्कोपिक सब देखने को मिल जाता है, ब्लैक ग्लॉसी में यहाँ पे आपको फिनिश मिल जाती है, सारे यहाँ पे भाई आपको सेम क्रेटा जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, पुश बटन, ऑटो ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग सेंसर, हेडलैम्प लेवलर, सेम आपका भाई यहाँ पर भी। अब क्या नई चीज़ है इसमें, एक तो आपको भाई मेमोरी सीट्स का ऑप्शन नया देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, और जो इसका क्लस्टर है ना, क्लस्टर हो गया आपका, ये हो गया इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया,
तो इसमें आपको चार थीम देखने को मिल जाती है जो कि क्रेटा के अंदर नहीं मिलती, जैसे पूरा आप डिजिटल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको ये वाली थीम आपको क्रेटा के अंदर नहीं देखने को मिलती, जैसे ये थीम होगी ना भाई, ये थीम, ये स्पोर्ट थीम, मतलब मिलती है उसमें भी बट क्रेटा में भी, बट ये वाला जो मुझे, ये वाले थीम है और एक आपका क्यूबॉइड वाला जो मिलता है क्यूब जैसा डिजिटल पूरा, सबसे बढ़िया ये मुझे देखने को लगता है और सबसे बढ़िया भाई ये थीम लगती है, बहुत बढ़िया सी। अब एक तो आपका ये हो गया भाई, मेमोरी सीट्स हो गई, और दूसरा क्या मिल जाता है यहाँ पे ना आपको भाई, व्हील डिटेल कंट्रोल देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, और जो इसका डोल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है वो तो आपको फुल्ली मैनुअली देखने को मिलता है, बस यहाँ पे आपको टच करना पड़ता है, मतलब टच पैनल के साथ दे रखा है, तो ये ज्यादा प्रीमियम मुझे एल्काज़ार के अंदर लगता है। बाकी आपको सारे के सारे भाई यहाँ पे पैनोरमिक सनरूफ वगैरह सब इसके अंदर जो क्रेटा के अंदर है वो तो सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, उससे अलग तो बहुत सारे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रियर सीट्स का अलार्म देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर, ठीक है, वेंटिलेटेड सीट्स आपकी हो गई है। यहाँ पे आपको सेम भाई आर्मरेस्ट और यहाँ पे कोल्ड ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाता है। अब मैं चलता हूँ रियर सीट्स में और आपको बताता हूँ क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। आगे रियर सीट्स में देखो यार, ये आपका सेवन सीटर ऑप्शन है बट मैं कहूंगा सिक्स सीटर पे जाना, एल्काज़ार को सेवन सीटर में मत ही लेना, सिक्स सीटर में जो इसका मजा है ना वो किसी में नहीं है। सिक्स सीटर में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है, पूरी सीटिंग मिल जाती है, अंडर थाई सपोर्ट अलग से देखने को मिल जाता है, और यहीं पे ना आपको, इसमें तो नहीं है जैसे आपकी पावर विंडो, यहीं आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है उस गाड़ी के अंदर। तो सिक्स ईयर्स गाड़ी लेना भाई, बहुत जबरदस्त फीचर मिल जाता है, आपको रियर की वेंटिलेशन नहीं मिलती है क्रेटा के अंदर, बाकी ये सनरूफ सब देखने को मिल जाता है। पीछे आपको क्रेटा में नहीं देखने को मिलता ट्रे, इस पर आप कुछ भी रख के चला सकते हैं, बेसिकली मैं टैबलेट बोलूंगा, टैबलेट और छोटा मोटा यहाँ पे पेन वगैरह रखना चाहें, और यहाँ पे भाई अपना आप ये आपका हो गया कप होल्डर, तो कप होल्डर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी क्या चीज़ भाई, रियर में यहाँ पे आपको ना वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, टू टाइप सी फास्ट चार्जिंग के साथ यहाँ पे आपको रियर के एसी वेंट्स मिल जाते हैं। और भाई सच बता रहा हूँ, इसका सिक्स एस इसलिए लेना क्योंकि जिस लेवल का कंफर्ट आपको मिलता है सिक्स एस के अंदर, एल्काज़ार के अंदर, वो किसी गाड़ी में मिलता होगा तो बहुत महंगी गाड़ी होंगी, इनोवा में मिलता है, बाकी सफारी का भी मिलता है, लेकिन इस प्राइस रेंज में भाई टॉप एंड वेरियंट में विद ऑल फीचर्स आपको एल्काज़ार के अंदर बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल स्पेस, स्पेसियस गाड़ी तो है ही, और जो कंफर्ट मिलता है इसमें मिड कैबिन में बहुत ज़बरदस्त मिलता है, तो इसलिए सिक्स एस लेना। तो भाई यही था आज का हमारा रिव्यू क्रेटा वर्सेस एल्काज़ार का। इसमें भाई देखो, ये एस एक्स आई वी टी ऑप्शनल है, ये हमारा सिग्नेचर टॉप एंड वेरियंट है, 24.5 लाख का ऑन रोड, ये हमें 21.5 लाख का देखने को मिल जाता है। अब मैंने इसका एक कंपेरिजन इसलिए करा क्योंकि भाई टॉप सेलिंग प्रोडक्ट क्रेटा भी है और ये जो मैंने वेरिएंट बताया एसएक्स आईवीटी ऑप्शन, ये बहुत बिकता है, और अपना जो एल्काज़ार का सिग्नेचर मॉडल बहुत बिकता है वो भी, ये तो सेवन सीटर मैंने बताया, वो सिक्स सीटर में। अब क्रेटा से अलग आपको इसमें ज़्यादा क्या चीज़ देखने को मिल जाती है, अगर आप 3 लाख ऊपर जाते हो, जिसका 21 लाख का बजट है, आई थिंक वो 3 लाख ऊपर जा सकता है, क्या क्या देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा आपको इसमें स्पेस देखने को मिल जाता है, डायमेंशन से एज कम्पेयर टू क्रेटा काफ़ी बड़ी है, लुक्स में भी जो रोड प्रेजेंस आएगी वो आपको एल्काज़ार की ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, बाकी मेमोरी फंक्शंस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है सिक्स एस में, पीछे रियर की वेंटिलेटेड सीट प्लस वेंटिलेशन का आपको जो ऑप्शन मिलता है उसके साथ साथ अंडर थाई सपोर्ट का एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है उस रियर में, आपको रियर में वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है वो आपको टच पैनल के साथ देखने को मिल जाता है, 8-way सीटिंग अरेंजमेंट फ्रंट दोनों सीट्स में मिल जाता है, वो इसके टॉप एंड वेरिएंट में भी देखने को मिलता है, बट मैं इसलिए कंपेयर वही दोबारा बोलूंगा कि 21.5 लाख का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो टॉप सेलिंग है, तो जो जो खर्च कर रहा है भाई इसके ऊपर पैसा, तो इसके एक लोअर वेरिएंट में भी जा सकता है, वो भी पेट्रोल पे जाना, तो उसमें आपको बहुत प्रैक्टिकल फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, बट जो सिक्स एस वाला मैं वेंटिलेशन वाला ऑप्शन बता रहा हूँ और आपको वेंटिलेटेड सीट और मेमोरी सीट, तो आपको सिग्नेचर मॉडल में देखने को मिलता है, बाकी पीछे ट्रे एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है विद अ कप होल्डर, तो ऐसे लग्जरियस फीचर आपको एल्काज़ार में ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। और अगर कंफर्ट की भी बात करूँ ना, तो भाई आपको एल्काज़ार के अंदर देखने को ज़्यादा मिलता है, फ्रंट में आपको दोनों में ही सेम कंफर्ट देखने को मिल जाएगा, बट मिड कैबिन के अंदर भाई जो 6S वाला वेरिएंट है वो आपको एल्काज़ार टाटा सफारी इनोवा को बिल्कुल ऐसे टक्कर देगी कि आप लॉन्ग ट्रिप बहुत अच्छे कवर कर सकते हो एल्काज़ार के अंदर। तो 3 लाख रुपये ऊपर आई होप बंदा खर्च कर सकता है अगर कोई 21 लाख या 22 लाख क्रेटा पे खर्च करना सोच रहा हो, तो मेरे डिसीजन या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप क्रेटा लेने का प्लान कर रहे हो तो एक बार भाई अपने नियरेस्ट शोरूम में जो भी आपके ह्युंडई का है वहाँ पे एल्काज़ार जरूर देख के आओ,
उसको टेस्ट ड्राइव लेके देख के आओ, उसका कंफर्ट देख के आओ और उसके फीचर एक्सप्लोर करके आओ। तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि आप स्विच हो जाओगे या आपका प्लान शायद चेंज हो सकता है क्रेटा की बदले एल्काज़ार का। महंगी है बट इस प्राइस सेगमेंट में इतने फीचर्स और कोई ऑफर नहीं कर रहा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और जो जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं अपना क्रेटा प्लान कर रहे हो या एल्काज़ार प्लान कर रहे हो, तो मेरा तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एल्काज़ार के ऊपर ही जा रहा है, लेकिन एल्काज़ार प्लान कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया चॉइस है, क्रेटा भी बहुत अच्छी चॉइस है। बट अब जब इस प्राइस रेंज में दोनों ही में 1-1.5 लाख का फर्क है, तो मेरे हिसाब से आपको एल्काज़ार के ऊपर जाना चाहिए, जो कि आपको क्रेटा से थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी देखने को मिल जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और अगर मेरे इस वीडियो के थ्रू आपका डिसीजन मेकिंग में हेल्प हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड कुछ भी इस गाड़ी के रिगार्डिंग कंपैरिजन में कुछ आप पूछना चाह रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के अंदर मैं सब चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। अगर इस गाड़ी के रिगार्डिंग आप कुछ भी पूछना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर मैं वो सारी चीज़ें कवर कर दूँगा, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए बहुत ही ऊपर ऊपर से आपको ओवरव्यू दिया है, जिसमें कि मैंने कवर करा है इनके फीचर्स, कम्फर्ट दोनों के डायमेंशंस, आपके इंजन स्पेसिफिकेशन, बूट स्पेस और प्रैक्टिकल आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, उसमें मैंने अपना ओपिनियन बताया। बाकी ऑडियंस पर डिपेंड करता है, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, कोई क्रेटा पे जाना पसंद करेगा तो इट्स ओके, हर किसी की अपनी चॉइस है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें बिना मत जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी गाड़ी के साथ, अच्छे कॉन्टेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।